जय हिंद वंदे मातरम प्यारे बच्चों शंकरा डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ और उस अपडेट को यूं मानो कि अगर आप लोग सहयोग करते हो तो वो अपडेट बिल्कुल कन्फर्म होगी। जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य होगी। भाई गुप्त सूत्रों से पता चला है और धीरे धीरे सोशल मीडिया में भी ये बात आने लग रही है, क्या अग्निवीर परमानेंट होंगे? बिल्कुल श्योर हो सकता है इसी भर्ती से। अभी जो आप लोगों ने एग्जाम दे रखे हैं हो सकता है, बट 2025 में तो कन्फर्म है प्यारे भाइयों, 2025 में अग्निवीर परमानेंट हो जाएंगे और हो सकता है इसी भर्ती से हो जाए। क्योंकि आपको सभी को पता है नई सरकार जैसे अभी इलेक्शन वगैरह हुए बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि आर्मी अग्निवीर परमानेंट होने चाहिए, तो ये जहाँ तक सुनने में आया है अभी परमानेंट हो सकते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो काफ़ी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे, 4 साल के लिए आर्मी में जावा कि ना जावा, जो जिसकी सोच थी कोई तो इसमें जाना चाहता था कोई नहीं जाना चाहता था। बट अभी आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, तैयारी करो और परमानेंट आर्मी 110% होगी। एक तो ये न्यूज़ आ गई, एक जो अभी का बैच चला हुआ है बच्चों का, वो बच्चे अभी भी तैयारी नहीं कर रहे। भाई मैं सभी छोटे भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि है भाई तैयारी बाद में करो। आप रिटर्न हो चुका है आपका, फिजिकल होने वाला है और फिजिकल का टाइम सबके पास, किसी के पास 1.5 महीना है, किसी के पास 2 महीने, किसी किसी बैच के पास बड़ा टाइम है। बट जिसका नज़दीक जुलाई अगस्त में जिसका फिजिकल होना है वो बच्चा तैयारी में जुट जाए। अब की बार कंपटीशन हार्ड होगा, पहले नॉर्मल होता था, अब की बार श्योर है हार्ड कंपटीशन होगा। और आप कमेंट में ज़रूर लिखना आर्मी अग्निवीर परमानेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आवाज़ उठाना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में तो ज़रूर लिखना भाई आर्मी परमानेंट होनी चाहिए। और ये देख लो शंकरा डिफेंस अकेडमी के अंदर परमानेंट आर्मी का ग्रांटेड बैच स्टार्ट रहा है भाई, 100-125 बच्चे आर्मी के रवा है। रिटर्न में भी हमारे 60 में से 50 बच्चे रिटर्न क्लियर करके और ये 100+ का बैच स्टार्ट है फिजिकल का। तो आइए, आपका मोस्ट वेलकम है शंकरा डिफेंस अकेडमी में। तो बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखियो, वीडियो को ज़्यादा शेयर करियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम प्यारे भगवान।